आज की राष्ट्रीय एकता दिवस परेड का नेतृत्व कर रहे हैं 2021 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के युवा अधिकारी एएसपी बलय वैद्य, आईपीएस गुजरात पुलिस, वर्तमान में अमरेली के साबरकुंडला में पदस्थ और इस समय राष्ट्रीय एकता दिवस की कमान संभालते हुए। आज की राष्ट्रीय एकता दिवस परेड का शुभारंभ बैंड की जोश भरी धुन पर गर्व से आगे बढ़ते भारतीय पुलिस बल के जवान। राष्ट्रीय एकता दिवस के आयोजन के मद्देनजर भारत वर्ष के समस्त राज्यों को 5 जोन में रखा गया है। इस वर्ष प्रत्येक जोन से 2-2 राज्यों के पुलिस बल इस परेड में शामिल है, जिससे यह परेड अब तक की सबसे बड़ी राष्ट्रीय एकता दिवस परेड बन गई, जिनमें 10 राज्य पुलिस बल और 4 केंद्रीय पुलिस बलों सहित एनसीसी कैडेट्स शामिल। भारतीय पुलिस बलों के 54 ध्वज एक साथ गौरवशाली मुद्रा में आगे बढ़ते हुए एक विहंगम दृश्य। भारत की बेटियों की सदैव उन्नति के लिए कटिबद्ध माननीय प्रधानमंत्री जी के सम्मुख राष्ट्रीय एकता परेड में पहली बार ध्वजवाहक दस्ते की कमान संभाली है भारत की एक बेटी ने, जो है बीएसएफ की युवा अधिकारी असिस्टेंट कमांडेंट मोनिका लाकड़ा, जिन्होंने गणतंत्र दिवस परेड में बीएसएफ कंटिजेंट की कमान संभाली थी। आज की राष्ट्रीय एकता दिवस परेड का नेतृत्व कर रहे हैं 2021 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के युवा अधिकारी एएसपी बलय वैद्य, आईपीएस गुजरात पुलिस। सुरक्षित सीमाएं, समृद्ध राष्ट्र और जीवन पर्यंत कर्तव्य की अवधारणा के साथ गर्व से आगे बढ़ता विश्व के सबसे बड़े बॉर्डर गार्डिंग फोर्स बीएसएफ का दस्ता। कमान संभाले असिस्टेंट कमांडेंट मनीष कुमार। अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को सुरक्षित रखने के प्रति कटिबद्ध और राष्ट्रीय एकता दिवस परेड के आयोजन की जिम्मेदारी निभाने वाला सीमा सुरक्षा बल। अब बिहार पुलिस तीव्रता से आगे बढ़ते हुए इस दस्ते की कमान संभाले हैं डीएसपी अमन। तत्पश्चात बिहार पुलिस के ठीक पीछे अरुणाचल प्रदेश पुलिस का दस्ता कमान संभाले हैं डीएसपी ताबा बिरोई।